मैं बता दूं कि आज जो चैप्टर का नाम है दक्षिणी चित्र शैली, ये हमारे ड्राइंग का चैप्टर नंबर फर्स्ट है। इसके बारे में आपको बताऊंगी कि ये दक्षिणी चित्र शैली क्यों पड़े नाम इसमें, क्योंकि ये दक्षिण भाग में व्याप्त है, इसलिए दक्षिणी चित्र शैली नाम पड़े है इसमें। इस समय में क्या है, मध्यकालीन भारत के बारे में आपको बता रहे हैं, ठीक है। दूसरा है, इसके अंदर दो प्रकार के क्या है, राज्य आए थे, दो राज्य आए थे, कौन कौन से, एक तो था बहमनी साम्राज्य और एक था विजयनगर साम्राज्य, एक बहमनी साम्राज्य और दूसरा कौन सा था, विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी, विजयनगर साम्राज्य की, विजयनगर साम्राज्य। इससे इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब कब हुई थी, 1336 ईस्वी में, ठीक है। और इसकी स्थापना करने वाले कौन थे, हरिहर व बुक्का, हरिहर व बुक्का, जो हरिहर बुक्का इसकी स्थापना करने वाले थे विजयनगर साम्राज्य की, ठीक है। इसी समय में क्या थे, इन राजाओं में से एक कृष्णदेव राय, जो कि एक प्रमुख राजा माना जाता है विजयनगर साम्राज्य में, और इसका एक उदाहरण हमें देखने को मिलेगा किसमें, लेपाक्षी वीरभद्र की भित्तियों पर, लेपाक्षी वीरभद्र की जो मंदिर है उसकी भित्तियों पर ये क्या है, विजयनगर साम्राज्य की चित्र शैली का क्या है, उदाहरण देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि इसमें कौन सी कला ज्यादा व्याप्त थी, ईरानी अरेबियन कला क्या थी इसमें ज्यादा व्याप्त थी। दूसरा हम बात करें किसकी, बहमनी साम्राज्य के बारे में, दूसरी हम बात करेंगे बहमनी साम्राज्य, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1347 में, 1347 ईस्वी में, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो शासक हुए थे वो कौन थे, अहमद शाह हाँ बहमनी, उसके नाम से क्या है ये शासन चला था, ठीक है, अहमद शाह बहमनी। फिर उसके बाद आपको बता दूं मैं कि ये अपनी आपसी झगड़े के कारण क्या पांच राज्यों में बट चुका था, कौन कौन से थे, एक तो था अहमदनगर, अहमदनगर, दूसरा था बीजापुर, तीसरा गोलकुंडा, चौथा बिदर और पांचवा बिरार। इस प्रकार से ये क्या थे, पांच साम्राज्य थे जिसने अहमदनगर ने किसपे, बिरार पे और गोल और बीजापुर में क्या, बिदर पर क्या किया था, अपने अधीन कर लिया था इन दो राज्यों को, छोटे दो राज्यों को इन दोनों ने क्या किया था, अपने अधीन कर लिया था। फिर आपको सबसे पहले आपने जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, अहमदनगर साम्राज्य के बारे में। पहला है अहमदनगर साम्राज्य, अहमद नगर साम्राज्य, इसका जो शासक हुआ था वो उसका नाम था हुसैन निजाम शाही, मतलब निजाम हुसैन शाही, ठीक है, ये शासक हुआ था। लेकिन इसकी मृत्यु के बाद इसका जो पुत्र था मुर्तजा, उस वो क्या था, इस साम्राज्य का वारिस था, लेकिन उम्र कम होने के कारण उसकी माँ ने क्या किया था, इसलिए संभाला था क्या, इसका साम्राज्य था ये, इसकी माँ ने संभाला था। फिर आपको बता दूं कि इसके बाद में जो ये साम्राज्य की बागडोर थी वो बुरहान के हाथों में सौंप दी गई थी, इसके बुरहान की, उसका जो दूसरा पुत्र था वो बुरहान, उसके हाथों में क्या है ये बागडोर संभाली गई थी, ठीक है। मुर्तजा के समय में एक सचित्र ग्रंथ लिखा गया था जिसका नाम था तारीफ़े हुसैन शाही, तारीफ़े हुसैन शाही। इसमें आपको बता दूं कि जो निजाम हुसैन शाही है उसके विवाह के बारे में, इस ग्रंथ में उसके विवाह के बारे में और नारी सुंदर्य के बारे में, उसकी वेशभूषा के बारे में क्या है, इसके अंदर वर्णन मिलता है। उसके साथ ही साथ राग माला पर आधारित जो चित्र थे उसका नाम क्या था, राग हिंडोल, राग हिंडोल। दूसरा जो हमारा है उसका नाम है अहमदनगर के बाद में।